वादी कश्मीर जो अपनी मेहमान नवाजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसको देखने न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सैयाह भी वादी का रुख करते हैं, और इनके साथ साथ कई तरह के परिंदे भी वादी कश्मीर की ओर अपनी उड़ान भरते हैं। जिस तरह वादी कश्मीर में जारी बर्फबारी की वजह से आम लोगों की जिंदगी मुतासर होती जा रही है, वहीं इन चरिंदों परिंदों की जिंदगी भी सख्त बनती जा रही है। जरूरत है सख्ती के वक्त में यहाँ की आवाम कश्मीरियत को जिंदा रखते हुए ऐसे मेहमानों को भी अपनी मेहमान नवाजी से खुश करें, ताकि ये आसमानी मेहमान वादी को छोड़ न दें। इतलात के मुताबिक इस साल कई सारे परिंदे पहले ही वादी छोड़कर वापस चले गए हैं, जो हर साल की तरह इस साल भी वादी की आबी जखीरों में रिहायशी थे। ख्याल रहे कि इस साल की बर्फबारी ने कई दहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पेशे वैली ऑनलाइन के लिए बेग इरशाद की ये खसूसी रिपोर्ट। आई थी कीप इन एलिमेंट्री हॉफ की तरफ से कि जो यहाँ पे बर्ड्स हैं विंटर्स में स्पेशली स्नोफॉल में वो फिर उनको पूरी तरह की गुजा उनको वो मैसर नहीं होता है। तो एज ह्यूमैनिटी के बेस पे काफ़ी अच्छा है कि अगर लोग इसमें जो उनकी वेस्टेज है घर में कुछ भी हो घर में वो जब भी बर्फ पड़े तो वो उसको बाहर के जानवरों के लिए वो डाले वहाँ पे। हाँ, मैंने दो दिन पहले एक अपील जनरल पब्लिक से की थी विद रिगार्डिंग टू द फीडिंग ऑफ द बर्ड्स। मैंने ये ऑब्जर्व किया है जब भी बर्फ एक्युमुलेट होता है ये बर्ड्स स्टारवेशन में चले जाते हैं, उनको दाना पाना कुछ नहीं मिलता है। इसलिए मैंने जनरल पब्लिक से ये अपील की थी कि वो सुबह सवेरे दो वक्त कम से कम सुबह और शाम को इन बर्ड्स को फीडिंग मुहैया करें। वो फीडिंग क्या उनका है, घर का डोमेस्टिक किचन वेस्ट है, राइस है, कुछ भी है, वो बर्फ के ऊपर लेयर पर डाले ताकि ये भी खा सके, अपनी जिंदगी रोजमर्रा की जिंदगी गुजार सकते हैं। ये मैंने जनरल पब्लिक से इसलिए इशू की, मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये बर्ड्स जब भी यहाँ पर ये बर्फ एक्युमुलेट होते हैं कुछ बर्ड्स मर भी जाते हैं और कुछ बर्ड्स टुवर्ड्स द हाउस डोमेस्टिक रेजिडेंस पर चले जाते हैं। ये इसलिए डोमेस्टिक रेजिडेंस पर चले जाते हैं कि उनको पता लगता है कि हमें कहाँ दाना पानी मिले। इसलिए एक आदमी को चाहिए ये सोचना चाहिए कि इनकी भी जिंदगी है, उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। इसलिए मैं जनरल पब्लिक कश्मीर या यहाँ पर ज्यादा बर्फ जब भी ये वेदर कंडीशन खराब हो जाते हैं उनको चाहिए कि उनके लिए ये फीडिंग करे। फीडिंग का तरीका सिंपल है, बर्फ के ऊपर के लेयर पर ये डालना है, जो भी राइस हो घर में, किचन वेस्ट हो, ओट सीड हो, जो भी हो, क्रश मेड हो, वो डाले ताकि ये भी अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं, खाना पीना हो सके उनका भी। ये अच्छी बात है, हमें इंसान होके ये सोचना चाहिए।